हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो टुडेस वीडियो इज अबाउट द पार्ट फोर ऑफ द डायरेक्ट टैक्स एमसीक्यूज व्हिच वी हैव स्टार्टेड और इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको टैक्स में किस तरीके से पूछे जाएंगे वो टाइप के क्वेश्चन में इस वीडियो में आपको सॉल्व करवाऊंगा तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे सो देट आपके जो प्रैक्टिकल पार्ट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सैलरी हो हाउस प्रॉपर्टी हो उसको एम सी क्यूज पैटर्न में किस तरीके से पूछा जा सकता है सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज आप ही को इसका फायदा मिलने वाला है लास्ट तक आपको एम मिलते रहेंगे और सारे पी डी एफ्स मैं टेलीग्राम के चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ और बाकी जो नए नए पी होंगे वो भी

इसमें से सॉल्व करना है ग्रॉस सैलरी की अमाउंट कितनी होगी तो ध्यान से अगर देखो तो अगर हम ट्वेंटी फाइव थाउजेंड को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करें तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड को अगर ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करें तो हमें वैल्यू मिलेगा थ्री लैक्स डियरनेस अलाउंस डी जो है डियरनेस अलाउंस कितना परसेंट है दैट इज ट्वेंटी परसेंट ऑन द बेसिक तो थ्री लैक्स ,00 का ट्वेंटी परसेंट अगर काउंट करें तो आएगा सिक्सटी थाउजेंड ठीक है और बोनस जो है बोनस ध्यान से यहाँ पे एक वर्ड दिया है बोनस डिक्लेयर्ड तो अगर आपको क्वेश्चन में बोनस डिक्लेयर्ड वर्ड आएगा तो वो बनेगा नॉन टैक्सेबल और अगर ओनली बोनस आया तो वो बन जाएगा टैक्सेबल तो बोनस हम नहीं लेंगे तो थ्री लाख प्लस सिक्सटी थाउजेंड को अगर टोटल करें तो यहाँ पे वैल्यू बनता है थ्री सिक्सटी थाउजेंड दैट इज योर ग्रॉस सैलरी ये ग्रॉस सैलरी में से हम डिडक्शंस माइनस करते हैं अंडर सेक्शन सिक्सटीन उसमें वो स्टैंडर्ड डिडक्शन फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शन वैसे सारे माइनस होते हैं बट इस क्वेश्चन में ग्रॉस सैलरी के बारे में ही पूछा है तो ग्रॉस सैलरी कितना होगा आपका तो राइट right आंसर बनेगा ग्रॉस सैलरी आपका होगा थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं मिस्टर अमित केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन फर्स्ट अप्रैल टू एंड वेंट बैक फ्रॉम इंडिया ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वॉट विल बी हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असमेंट ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी असेसमेंट ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन का प्रीवियस ईयर क्या है आपका प्रीवियस ईयर है टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी तो हमारा रूल क्या कहता है नाइनटीन ट्वेंटी में वन एटी टू डेज या उससे ज्यादा अगर कोई पर्सन इंडिया में रहेगा तो उसे हम रेसिडेंट मानेंगे और पिछले जो ईयर्स है उसके भी लिए इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आर आर बनने के लिए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए दो कंडीशन थे टू आउट ऑफ टेन ही शुड बी अ रेसिडेंट फिर और दूसरा कंडीशन क्या था सेवन ईयर्स में पिछले सात सालों में वो सात सौ तीस दिन इंडिया में रहना चाहिए ये सब कैलकुलेशन आपको करने की भी ज़रूरत नहीं देखो ध्यान से वो बंदा कब इंडिया में आया है दो हज़ार पंद्रह को आया है 2015 से लेके अगर 2020 काउंट करें तो पांच साल हो जाते हैं मतलब ये दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे क्योंकि सात साल में 730 दिन चाहिए 730 दिन अगर देखा जाए तो दो साल में ही 730 दिन हो जाएगा 365 365 अगर काउंट करें तो यहाँ तो, तो पांच साल का इन्फॉर्मेशन है सात साल में कम से कम 730 चाहिए उससे ज्यादा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमारा पांच साल के अंदर ही हो जाएगा यहाँ पे तो ये पर्सन जो बनेगा वो क्या बनेगा ये पर्सन बनेगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट तो ही विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट तो राइट आंसर इसका बनेगा आर ओ आर आई होप की दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है दैट इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट जी ए वी ऑफ हाउस क्रिपा विच इज लेट आउट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन म्यूनसिपल वैल्यू टू लैक्स तो यहाँ पे टू लैक्स है ध्यान से फेयर रेंट इट्स टू लैख सिक्सटी थाउजेंड एक्चुअल रेंट इैक्टी थाउजेंड अन सिंपल रूल है, तो है जीएवी कैलकुलेट करने का देखो जीएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम सबसे पहले हम लिखते हैं म्यूनसिपल वैल्यू तो म्यूनसिपल वैल्यू कितना है म्यूनिशिपल वैल्यू है टू लैक्स देन वी राइट द फेयर रेंट फेयर रेंट कितना है फेयर रेंट है टू लैख सिक्सटी थाउजेंड तो फेयर रेंट मैंने लिखा टू लैख सिक्सटी थाउजेंड एक्चुअल रेंट देखो एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एक्चुअल रेंट माइनस रेंट रेंट अब यहां पे एक्चुअल कितना है एक्चुअल रेंट टू लैखी थाउजेंड अन हम टू लैख एटी थाउजेंड में से टेन थाउजेंड माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा टू लैख सेवेंटी थाउजेंड तो हाउ डू वी कैलकुलेट जी ए वी जी ए वी इज द वैल्यू विच इज हाइयर तो हमें क्या करना है मुंसिपल वैल्यू Rent या एक्चुअल रेंट विच एवर इज हाइर टू तो टू लैख क्वेश्चन का जीए भी बनेगा टू लैख सेवेंटी थाउजेंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होप कि आपके तीनों पॉइंट क्लियर है प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैंने इसमें ऑलरेडी ले लिए है ग्रेचुअलिटी रिसीव बाई इज एक्जअप टू टेन लैक्स एक्सम टू ट्वेंटी लैक्स फुली टैक्सेबल या फुली एग्जाम तो से ग्रेचुरी जो है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा पूरा का पूरा ग्रेचुरिटी जो है दैट विल बी एक्टेड तो फुल्ली एग्जाम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं फॉर पर्सनल यूज इज फुलज परक्विजिट फुली एक्जेमिजिट टैक्सेबल इन हाउस प्रॉपर्टी देखो देखो टैक्सेबल इन हाउस तो हो नहीं सकता 2, और ये हमारा में कवर होता है दैट इज बीन कवर्ड अंडर द हेड ऑफ सैलरी तो फुल्ली टैक्सेबल पर फुली एक्जिट तो इसका राइट आंसर है इट इज फुल्ली टैक्सेबल परिजिट अगर मोटर कार आप पर्सनल पर्पजेस के लिए यूज करोगे तो उसे टैक्सेबल परक्विजिट माना जाएगा बिजनेस के लिए यूज करोगे तो वो टैक्सेबल परक्विजिट नहीं होगा फ्रॉम द चैप्टर ऑफ अदर एंड दिस इज कैजुअल इनकम इफ द वैल्यू ऑफ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस रेस इज इज एंड पेड ऑन सच थाउजेंड टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज विल बी तो ये प्रैक्टिकल पार्ट में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर आपका विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस तो मैंने आपको बताया था इफ यू रिमेंबर

उसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता तो इसका राइट right आंसर क्या बनेगा टैक्सेबल वैल्यू कितना बनेगा ट्वेंटी थाउजेंड हम इग्नोर करेंगे तो टैक्सेबल वैल्यू कितना बनेगा टैक्सेबल वैल्यू बनेगा आपका टू लैक्स तो टू लैक्स इज द राइट आंसर अदर सोर्सेस में हम विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस दो लाख ही टैक्सेबल दिखाएंगे माइनस ट्वेंटी थाउजेंड नहीं करेंगे या प्लस ट्वेंटी थाउजेंड नहीं करेंगे बिकॉज जो भी एक्सपेंसेस आप कैजुअल इनकम के ऊपर स्पेंड करोगे उसे इग्नोर किया जाता है तो so, जो भी improvements आप करते हो वो अगर आपने अप्रैल 2001 से पहले किए हैं बाद में किए हैं या फर्स्ट अप्रैल 2020 से से पहले किए हैं या फर्स्ट अप्रैल 1999 से पहले किए हैं या, है, या आफ्टर किए ऐसा कुछ पॉइंट्स एडजस्टमेंट्स ये जो पॉइंट्स हमारे कैलकुलेशंस में पूछे जाते हैं इसके लिए रूल्स काफी सिंपल है याद रख लेना यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है ऑल इंप्रूवमेंट्स मेड आफ्टर फर्स्ट अप्रैल 2001 विल बी कंसीडर फॉर डिडक्शन 2001 से पहले अगर कोई भी इंप्रूवमेंट किया होगा आपने तो उसके ऊपर कोई भी डिडक्शन आपको क्लेम नहीं करने मिलेगा तो इसलिए वहां पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा राइट right आंसर है इसका आफ्टर फर्स्ट अप्रैल 2000 थाउजेंड तो क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं कैलकुलेट नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस लोनली फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स तो वी नीड टू कैलकुलेट एन ए वी नेट एनुअल वैल्यू मुंसिपल वैल्यू पेयरेंट एक्चुअल रेंट म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड एंड इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन तो सबसे पहले जी ए वी कैलकुलेट करना है हाउ डू वी कैलकुलेट जीए वी म्युनसिपल वैल्यू पेयरेंट एंड एक्चुअल रेंट इन तीनों में से जो भी हाइयर वैल्यू रहेगा बड़ी वैल्यू वैल्यू रहेगी दैट विल बी जी ए वी तो थ्री लैक्स टू लैक फिफ्टी टू लैख फोर्टी इनमें से कौन सा बड़ा वाला वैल्यू है इनमें से बड़ा वाला वैल्यू है थ्री लैक्स तो थ्री लैक्स मैंने यहाँ पे लिखा वो आपका जीएवी बना इसमें से हम क्या करते हैं म्यूनसिपल टैक्स पीरियड को माइनस करते हैं तो म्यूनसिपल टैक्स पीरियड देखो कितना है म्यूनिशिपल टैक्स पेड है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो थ्री लैक्स में से ट्वेंटी फाइव थाउजेंड माइनस करेंगे ,00, तो ये आपका बनेगा एनएवी एवी विच इज कॉल्ड नेट एनुअल वैल्यू तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो मैंने आपको थोड़ा सा बेस इसका बताया था थोड़ा सा रिविजन कर लेंगे देखो अगर हम शेयर्स की बात करें शेयर्स की तो शेयर्स के लिए ट्वेल्व मंथ्स का ड्यूरेशन आपको याद रखना है दैट इज वन ईयर ट्वेल्व मंथ से पहले अगर आपने वो बेच दिया होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्वेल्व मंथ्स के बाद अगर बेच दिया तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ठीक है और अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें या शेयर्स को छोड़ के अगर बात करें तो उसके लिए थर्टी सिक्स मंथ्स का पीरियड मैंने आपको बताया था थर्टी सिक्स मंथस इज इक्वल टू थ्री ईयर्स थर्टी सिक्स मंथ्स के पहले ही अगर आपने बेच दिया होगा तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन थर्टी सिक्स मंथ्स के बाद अगर बेच दिया तो दैट इज कॉल्ड एज आफ्टर थर्टी सिक्स दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहा है तो प्रॉपर्टी के लिए क्या रूल है थर्टी सिक्स मंथस का रूल है तो राइट right आंसर बनेगा सिक्स लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अंडर कैपिटल गेन द एग्जेबिशन अंडर सेक्शन फिफ्टी फोर ई सी इज ऑफ तो इसमें दो एग्जाम होते हैं एक होता है फिफ्टी फोर में और दूसरा होता है फिफ्टी फोर ईसी के अंदर फिफ्टी फोर का सेक्शन क्या था न्यू हाउस परचेज फिफ्टी फोर ईसी का सेक्शन क्या कहता है अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है बॉन्ड्स में तो इसका राइट right आंसर क्या बनेगा इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स तो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई होप कि जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसमें मैंने लाए हैं आपके सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस क्लियर होंगे इसी तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कम एमसीक्यूज आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं तो ध्यान से बेसिक्स पे काम करें बेसिक्स अगर क्लियर है तो आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन फ्रॉम द टैक्स यू कैन सॉल्व इजीली दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर ले बिकॉज उसका बेनिफिट आप ही को होने वाला है टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर